हेलो दोस्तों, आज का दिन है मंगलवार। आज हम जा रहे हैं हल्द्वानी। हल्द्वानी में जा रहा हूँ हर्षित के साथ। उसका थोड़ा दुकान का सामान लेके आना है और मेरे को थोड़ा अपना फ़ोन का सामान लेके आना है, तो मैं उसके लिए जा रहा हूँ। और थोड़ा सा काम भी है मेरे को हल्द्वानी में। तो हर्षित है बाहर, मैं जा रहा हूँ घर के जस्ट गली में हूँ मैं। अपने ये गली मेरा गेट है, मैं गली में ही रेडी होके आ रखा हूँ एकदम। शाम के बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं अभी, क्योंकि शाम को ही जा रहे हैं। क्योंकि दिन भर में धूप लगी रहती है, तो शाम को जाएंगे आराम से 7-8 बजे तक घर आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम हल्द्वानी को और दिखाता हूँ तुमको आज पूरा हल्द्वानी का टूर अपना जो जो। हम निकल गए हैं कालाडुंगी से और कालाडुंगी का हनुमान मंदिर भी पार करके पहुँचने वाले हम निगम में। मेरे साथ हर्षित है और अपनी भाई है भाई तरीके से। पूरा राइड रहेगा आज हल्द्वानी तक का हमारा, देखना फुल एंजॉय है हमारा। आ गए हैं स्मार्ट सुपर स्टोर, मतलब रिलायंस मार्केट में। रिलायंस मार्केट में कुछ दिनों पहले मेरे को पता चला था कि रॉ का जूस जो 220 रुपये का है वो 9 रुपये का बिक रहा है, तो मैं उसी को छानने आ गया हूँ स्मार्ट बाज़ार में। अब देखो मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो वो भी ठीक है, क्योंकि एक दो दिन पुरानी बात हो चुकी है। तो अंदर जाके दिखाता हूँ मिलता है या नहीं। यह है स्मार्ट मार्ट फुल्ली। कुछ टाइम पहले तक इसका रिलायंस नाम था और अब हो चुका है स्मार्ट मार्ट। ठीक है, एंट्री करते हैं और अंदर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो आज ज़्यादा कुछ भीड़ है नहीं यहाँ अंदर। और देखो पीछे को जा रहे हैं जहाँ जूस का एरिया है, उस साइड जाते हैं और उस साइड दिखता है या नहीं दिखता है वो भी देखते हैं। आज जिस समय हम आए हैं लेकिन भीड़ तो नहीं है, देखो क्या होता है पीछे साइड को जाके। तो अब जूस के बोरे उसमें आ गए हैं लेकिन यहाँ अभी तक तो मिला नहीं हमको। एक साइड में देखते हैं कहीं ऑफर तो नहीं चल रहा है, देखते हैं। फाइनली मैं आ गया हूँ बाहर। अंदर तो मेरे को जूस वूस मिला नहीं, रॉ का खाली कट गया है, अपना पोपट बन गया है। अब क्या होता है कुछ नहीं, यहाँ का कुछ काम था नहीं मेरा कोई एक्स्ट्रा जो था मैं उसके लिए बताया मैंने, लेकिन अब जाऊँगा सीधे सचिन दा की दुकान भी है। हमारे सचिन दा की दुकान भी है रस्ते में, जस्ट श्री बालाजी स्वीट्स करके कमलवा गांजे में है, ग्रामीण बैंक के जस्ट सामने, आरडीओ रोड के थोड़ा सा आगे को है। ठीक है, वहाँ पे स्कूल भी है, पता नहीं कौन सा है, जितनी पब्लिक स्कूल है शायद। और तो हल्द्वानी को जाते जाते सोचा सचिन दा से भी मिल लें। सचिन दा से हम जब भी हल्द्वानी आते हैं तो सचिन दा से मिलना हमारा पक्का हुआ। और आजकल इन्होंने कुछ टाइम पहले ही दुकान भी खोल ली है यहाँ बालाजी स्वीट्स करके, भाई मिठाई उठाई खाने आया करो यहाँ। ठीक है, अब हो चुके हैं हल्द्वानी एंटर। हल्द्वानी एंटर होते हुए मैं आ गया हूँ पीछे, आगे से थोड़ा पीछे बैठ गया था मैं। उसके बाद हर्षित ने चलाई बालाजी स्वीट्स से, थोड़ा मैं चलाता हूँ क्योंकि हर्षित को ही पता है कहाँ कहाँ जाना है, मेरे को तो ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि उसी का सामान है अभी मेरा। तो लास्ट में जाएंगे लेने, अभी हर्षित का ही सामान लेने जा रहे हैं, तो हर्षित ही चला रहा है। और पीछे बैठ के मैं दिखाता रहूँगा तुमको हल्द्वानी की जो ये कालाडुंगी रोड है उसका व्यू, कितना जाम है कितना नहीं है गली।
आ गए हैं यहाँ जहाँ काम था हमको। और हर्षित तो चले गया अपना सामान लेने, हर्षित को भी दिखाऊंगा मोबाइल वोबाइल के कवर ओवर लेने आया है। मैं गाड़ी आड़ी खड़ी करके जस्ट आ रहा हूँ और दिखाता हूँ तुमको जहाँ से सामान ले। ये है भाई रजा, तो भाई हर्षित और ये भाई यस्सु भाई हमारे कवर ढूंढने में लगे हुए हैं क्योंकि इतने सारे कवर हैं ना, क्या बताऊँ। यस्सु भाई इनकी मदद कर रहे हैं कि कवर कहाँ से ले लूँ। यस्सु भाई यहाँ तो देख लो यार एक बार, यस्सु भाई देख लो यार, अरे यार शरमा रहे हो तुम तो यार। यस्सु भाई, अरे यार यस्सु भाई यहाँ तो देखो एक बार, अरे यार देख दो यार थोड़ा सा तो देख दो। ये यस्सु भाई की स्माइल आ गई अब बड़ी देर बाद। अब तो बल्कि बोलो यहाँ का सब कवर से लेके ग्लास तक सब यस्सु भाई को बताएं, और कोई नहीं है जो यहाँ बता सकता है कि कहाँ पे कौन सा रखा है। अब हमको हो गए हैं हल्द्वानी से निकलते 8 बज गए हैं रात के और अंधेरा हो गया है। थोड़ा सा हल्द्वानी से आगे आ गया था क्योंकि ट्रैफिक भी फंस रहा था और लेट भी हो गए हैं। 8 बज गए हैं हल्द्वानी से निकलते भी थोड़ा सा आगे आया हूँ मैं, कमलवा गांजा पहुँचा हूँ। यहाँ पर आते 8:30 हो गया क्योंकि मार्केट आते वक्त एक दुकान और ढूंढ रहे थे, वो मिली नहीं, वो शिफ्ट विफ्ट हो गई थी तो पता नहीं चला कहाँ के चले गई है। और लेट हो गए हैं, घर से फोन भी आ रहे हैं और जल्दी से जल्दी घर जाते हैं यार। और हल्द्वानी से भी अभी क्या पता चकलवा में भी रुक सकते हैं, वहाँ भी दोस्त की दुकान है, रेस्टोरेंट है चकलवा में, वहाँ भी रुक सकते हैं देखो। लेकिन लेट तो हो गए हैं तो चलते हैं हौले हौले यार, अंधेरा हो गया। हम रुक गए हैं चकलवा में, ये है चकलवा में रेस्टोरेंट जो है, यहीं पे काम करता हमारा राहुल भाई, ये राहुल भाई हमारा। और यहाँ पे थोड़ा फास्ट फूड खा के चलते हैं घर को, ठीक है। तो ये भाई अंदर का व्यू बहुत गजब, हम लगाते हैं चाउमीन, थोड़ा फास्ट फूड चाउमीन मोमोज ही खाएंगे, ज़्यादा तो खाएंगे नहीं क्योंकि घर जाके हमको खाना भी खाना है, और खाना नहीं खाएंगे तो घर वाले मारेंगे डंडे क्योंकि वैसे ही लेट हो। चाउमीन आ गई, मोमो का यार दिखा नहीं पाया क्योंकि मोमो आते ही हम खा गए। हर्षित भाई यहाँ चाउमीन खा रहे हैं, ये आइए और हम भी खाते हैं। ये ओनर साहब हैं इस दुकान के, मैं पहुँच चुका हूँ घर चाउमीन मोमो वोमो खा के, और लेट भी बहुत ज़्यादा हो चुका हूँ। शक्ल देख लो भाई पूरी बिगड़ चुकी है। तो आज का ब्लॉग भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।